देखो हम लोग एक मॉडल बनाए, उसमें AI, डीप लर्निंग वर्निंग सब यूज कर लिए। मॉडल को चेक करना है मॉडल हम लोग का रिजल्ट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर मॉडल सही से आंसर दिया तो मार्केट में लॉन्च करके हम लोग मिलीनियर बन जाएंगे, और अगर नहीं कर पाया तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये इवोल्यूशन टेक्निक्स होगा। तो हम लोग कोई मॉडल को चार चीज से चेक करते। पहला जो टेक्निक यूज करते हैं वो ट्रू पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब होता है हम लोग को मॉडल क्या आंसर दे रहा है। अगर हम लोग को मॉडल पॉजिटिव आंसर दे रहा है और एक्चुअल आंसर भी पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो शाहरुख खान का मूवी है सपोज जवान, मॉडल बोल रहा है कि जवान मूवी हिट होगा और एक्चुअल में हिट हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग का मॉडल ट्रू पॉजिटिव। इसका मतलब जो मॉडल बोल रहा है वो पॉजिटिव बोल रहा है, एक्चुअल में भी पॉजिटिव हुआ। ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या हो सकता है, अगर मॉडल बोल रहा है जवान हिट नहीं होगा और एक्चुअल में जवान नहीं हिट हुआ, अपना क्या है ट्रू नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। सर अगर मॉडल बोला हिट होगा लेकिन एक्चुअल में हिट नहीं हुआ तब उसी के लिए अपना है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स ट्रू। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, मॉडल बोल रहा है जवान हिट होगा लेकिन एक्चुअल में हिट नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, मॉडल बोला जवान हिट नहीं होगा लेकिन एक्चुअली में हिट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। ये चार स्टेज होता है जो हम लोग मॉडल को चेक करवाते हैं। मॉडल आंसर क्या दे रहा है,